हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे डेली ब्लॉग में। तो अभी फौजी साहब भी चले गए, स्माली भी चली गई है, मैं रह गई हूँ घर में बस अकेले। और मैं चाय पी रही थी। चाय तो फौजी साहब सुबह ही बना देते हैं, उठते हैं तभी, लेकिन मैं पी नहीं पाती उस टाइम पे, इतनी भागम भाग होती है, इतनी जल्दी जल्दी होती है। स्माली को उसी टाइम में स्कूल भेजना रहता है, उसको तैयार करना रहता है, तो चाय बना हुआ नहीं पी पाती हूँ। पहले मज़े करती थी, पीती थी, फिर सोती थी, लेकिन अभी चाय पीने का भी टाइम नहीं होता है। तो स्माइली को भेज के फिर मैंने अपना चाय गरम किया, फिर पिया। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। और आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे इतनी हिम्मत मिल रही है ना, इतनी हिम्मत मिल रही है कि मैं बता नहीं सकती। सबके कमेंट आते हैं, दीदी आप डेली ब्लॉग डाला करो, आपके ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। तो सच में मैं बता नहीं सकती कि मुझे अंदर से कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। आप मेरी खुशी मेरे चेहरे पर दिख रहा होगा आप लोगों को। और सच में मतलब मुझे, मेरे से जितना हो पाता है मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश भी करती हूँ, और अभी भी बोल रही हूँ। सच में दिल से थैंक यू, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे सबसे बड़ी बात मुझे हिम्मत दे रहे हैं, क्योंकि इतना कम बोलने वाली लड़की, बिल्कुल शांत रहने वाली लड़की इतना कुछ ब्लॉग में बकबक कर लेती है, बहुत बड़ी बात है। मैं पहले बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, बहुत शांत रहने वाली हूँ, इसीलिए ना मेरे से ब्लॉगिंग नहीं हो पाता है। क्योंकि मतलब ब्लॉगिंग में है कि आप बोलते रहो, दिखाते रहो, और वो दोनों ही चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम मतलब मैं बस अकेले रहने वाली हूँ, जो भी ब्लॉगिंग करते हैं ना उनके साथ कोई ना कोई रहता है, लेकिन मैं हूँ बस अकेले। और अकेले मैं अगर कुछ करती हूँ तो कैसे दिखाऊंगी, कैमरा होल्ड करूँ कि कोई काम करूँ, और अगर स्टैंड में लगा के करती हूँ तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, जो दिखाना चाहते हैं वो आ नहीं पाता है परफेक्ट तरीके से, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ब्लॉगिंग करना। नहीं तो ऐसा नहीं है, हम डेली बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो दिखा सकती थी मैं, लेकिन अकेले की वजह से नहीं पॉसिबल हो पाता है। और आपको पता ही है कि फौजी साहब इन्वॉल्व नहीं होना चाहते वीडियो में, तो मैं उनको मतलब फोर्स भी नहीं कर सकती, ना कभी लाना चाहती हूँ मैं। तो ना इस वजह से मुझे लगता है कि क्या ही कर पाऊँगी मैं अकेले। लेकिन जब आप लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है, और मैं सोच रही हूँ कि अब कर पाऊँगी, मैं कोशिश करूँगी डेली ब्लॉगिंग करने की। और अभी देख सकते हैं यार, मुझे इतनी ठंडी लग रही थी, मैं ऐसे ही हमेशा शॉल वॉल ओढ़ के रहती हूँ। तो स्माइली के जाने के बाद, इनके जाने के बाद बिल्कुल घर में सुना सुना सा हो जाता है, अकेले हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ यार अभी से उठ के। तो ना स्माइली को स्कूल भेज के मैं पहले थोड़ा सा सोती हूँ, और फिर थोड़ा फ़ोन उन चलाती हूँ बेड पे पड़े पड़े कंबल में। इतनी ठंडी रहती है कि निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, और जब मुझे लगता है कि नहीं अब जग जाना चाहिए, अभी बहुत लेट हो रहा है, तो 10-11 बजे जितने बजे मन करता है आराम से उठती हूँ मैं। तो अभी मैं उठी, चाय गरम किया फिर से और पिया। उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा बात किया जाए, ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना आप लोग, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना, ताकि मेरे को हिम्मत मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं उठ जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, देखती हूँ क्या क्या करना है मुझे, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अभी मैं बिल्कुल फ्रेश व्रेश होकर ब्रश व्रेश करके आ चुकी हूँ किचन में, और आज मैं बनाऊँगी सैंडविच। मसाला मैंने सुबह ही बना दिया था, स्माइली को टिफ़िन भी सैंडविच ही बना के दिया था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं उसके टिफ़िन में ना सारी पसंद की ही चीज़ें देती हूँ, क्योंकि वो अच्छे से मतलब खा पाए, जो उसके पसंद का होता है वो अच्छे से खाती है, टिफ़िन फिनिश करके आती है। तो इसलिए आज उसने बोला था सैंडविच बनाने को, तो मैंने बना दिया। तो मसाला सुबह ही ज़्यादा बना दिया था, तो उसी में से फिर मैं भी सेक लूँगी अपने लिए भी, और फिर खा लूँगी, खा के फिर कोई काम करूँगी मैं, क्योंकि बिना खाए मेरे से कोई काम होता नहीं है। तो इस वजह से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी खाना, उसके बाद कुछ काम। तो चलिए अभी मैंने मसाला लगा लिया ब्रेड में, और ऐसे मैं इसको सेक लूँगी ब्राउन ब्राउन, मतलब बिल्कुल मैं क्रंची सेकती हूँ, सॉफ्ट वाला नहीं मुझे अच्छा लगता, बिल्कुल क्रंची क्रंची अच्छा लगता है। तो इसको मैं सेक लूँगी, और सॉस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैं फटाफट से खा लूँगी, उसके बाद देखती हूँ आगे कौन सा काम करते हैं, जो भी करूँगी मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो ये हो गया मेरा सैंडविच रेडी, और इसको मैंने बीच से काट लिया। तो आप कौन सा वाला सैंडविच बनाते हैं, आलू वाला या ये मेयोनीज वाला? मुझे तो ये वाला पसंद आता, आलू वाला कोई नहीं खाता, स्माइली भी नहीं खाती है, फौजी साहब तो ये भी नहीं खाते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हम उनको खिलाते हैं। ये स्माइली का दूध, वो स्कूल से आ चुकी हैं, ये देखिए मैडम का।
ओ मैडम जी, तुम्हारा आते ही चालू हो गया। ये लो ठीक है, गर्म नहीं है ना, तो रख दो और अभी थोड़ा रेस्ट करो, स्कूल से आओ ना आप, आते एक्सरसाइज नहीं, ठीक है। ये बाल बाल हटाओ। जी आ चुकी हैं और घर आते ही उनकी एक डिमांड मतलब होती रहती है, ये खाना है। तो आज मैंने बोला इस्माइली आज खाने में क्या खाओगी, तो बोल रही है मम्मा आज कुछ अलग बनाते हैं। तो ऐसा करती है मम्मा कुछ अलग बनाते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि उसको कुछ मतलब चटपटा खाने का मन कर रहा है। मैंने बोला क्या खाओगी, तो मम्मा कभी हम नूडल्स नहीं बनाते हैं जबकि हमारे यहाँ हमेशा बनता रहता है। तो बोल रही है कि मम्मा आज नूडल्स बनाते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, आज नूडल्स ही बनाते हैं खाने में। तो हाँ क्या हुआ, इधर गाना बजा रहे हैं और इतना तेज तेज बजा रहे हैं ना कि सीधे मेरे किचन में आ रहा है, जबकि पूरी रोड का डिफरेंस है, रोड पार करके दूसरे क्वार्टर में है उनका, लेकिन इतना तेज बजा रहे हैं कि मुझे इतना तेज तेज सुनाई दे रहा है। यार अगर गाना सुनने का मन होता है तो हम अपने हिसाब से बजाना चाहिए ना कि मुझे तक सुनाई दे, अभी ये क्या कि पूरी दुनिया को सुनाना, तो मुझे अब क्या ही बोलूँ। थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था तो मैंने स्माइली को बोला कि स्माइली पता करो कि ये कहाँ से बज रहा है, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, नहीं रोक सकते कि आप इतना तेज क्यों बजा रहे, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि हम अपने तक ही सीमित रखें, इतना तेज बजाने का क्या मतलब है। लेकिन कोई ना, तो आज मैं बनाने वाली हूँ नूडल्स और ये पत्ता गोभी डालूंगी, प्याज डालूंगी, मिर्चा डालूंगी, बहुत तामझाम नहीं, देखती हूँ मटर भी डाल देती हूँ या फिर रहने देती हूँ मटर, क्योंकि स्माइली इतना तामझाम वाला खाएगी नहीं अभी, तो वो पत्ता गोभी वाला ही नहीं खाना चाहेगी, लेकिन मैं डाल देती हूँ, थोड़ा इससे टेस्ट आ जाता है। तो चलिए आज नूडल्स बनाते हैं और खाते हैं, आपको भी खिलाते हैं, ठीक है। तो आज मैं दिखाती हूँ मैं कैसे नूडल्स बनाती हूँ। इधर पानी रख दिया गर्म होने के लिए और इधर मैंने प्याज कट कर लिया, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, आपको जितना भी प्याज काटना है, हमें थोड़ा सा बनाना है तो मैंने बहुत ज़्यादा प्याज नहीं काटा। इधर पानी पूरा खौलने लगा है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि चिपके नहीं, लेकिन मैं भूल गई थी डालना, मैं नहीं डाल पाई थी ऑयल, मैंने ऐसे ही नूडल्स डाल दिया आप देख सकते हैं। और इधर मैं पत्ता गोभी भी काट लेती हूँ जब तक वो खौल रहा है, जब तक पक रहा है नूडल्स। तो करते करते दोनों मतलब एक साथ सारे ही काम हो जाते हैं, उधर नूडल्स बैठाया, इधर पत्ता गोभी कर लिया और इधर देख सकते हैं मैं चेक कर रही थी पक गया है। अब इसको बारी है अच्छे से छान लेने की ताकि पानी इसका सोख ले, तो मैं बार बार चेक कर रही थी कि कहीं कच्चा ना रह जाए, लेकिन फाइनली पक गया था तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया। इसके बाद फिर से मैं इसको ठंडे पानी में भी डालूंगी क्योंकि अच्छे से इसका जो भी होता है मार टाइप होता है ना, मतलब वो निकल जाए ताकि ये चिपचिपा ना रह जाए। तो मैंने ठंडे पानी में इसको अच्छे से छान लिया और बिल्कुल भरभरा सा हो चुका है, बिल्कुल चिपका नहीं है, मैंने जबकि ऑयल नहीं डाला था, मैं भूल चुकी थी, फिर भी नहीं चिपका है। और इधर मैंने पत्ता गोभी को भी अच्छे से धुल लिया। मेरा पता है कोई भी चीज़ बनाने में इसीलिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती हूँ कि हाँ बिल्कुल साफ़ हो गया है, तब तक मैं धुलती रहती हूँ कोई भी सब्जी कोई भी चीज़। और इधर मैंने कढ़ाई रख दिया, गर्म हो गया, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, और किसी भी चीज़ में मैं ऑयल ज़्यादा डालती हूँ। इधर मैंने जीरे का तड़का दे दिया, मिर्चा बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा चौमिंग है ही नहीं, एक पैकेट ही हम बस बना रहे। और इधर ये जो प्याज मैंने कट किया था प्याज डाल दिया मैंने, प्याज को थोड़ा सा भुना, उसके बाद मैंने पत्ता गोभी डाल दिया और पत्ता गोभी को बहुत अच्छे से पकाएंगे। बहुत लोगों को देखा है ये बहुत नहीं पकाते हैं, आधा कच्चा ही पत्ता गोभी तो कच्चा भी खा लेते हैं, तो बहुत लोग बहुत नहीं पकाते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल अच्छे से पका लेती हूँ। और जब तक पत्ता गोभी पक रहा था मैं अपना टाइम पास करने के लिए खा रही हूँ इधर पेठा, मुझे पेठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो किचन में रहूँ तो कुछ ना कुछ मेरा मुँह चलते रहना चाहिए, तो खाती रहती हूँ। और मैंने पी लिया थोड़ा पानी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं खड़ी थी, मतलब एक घंटे से ऊपर हो गया था सारी चीज़ें करने में। और इधर
आधा पक चुका है मेरा पत्ता गोभी, देख सकते हैं। इसमें मैंने नमक डाल दिया ताकि और अच्छे से ये गल जाए, नमक के बाद थोड़ा और गल जाता है ना अच्छे से। उसके बाद मैं ये सारे सॉस डाल दूँगी, उसी में मिक्स कर लूँगी। और मैं अभी भी देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा ये पका नहीं था, तो मैं अच्छे से पका लूँगी। फिर मैं मुझे ध्यान आया कि ये तो नूडल्स में ही मिला था ये दोनों सॉस, तो पहले मैंने सोचा इसको डाल देती हूँ क्योंकि ये पाउच वाला इधर उधर फेंका जाएगा, इससे अच्छा यूज में आ जाए। उसके बाद फिर मैंने मिक्स करके देखा, कलर कुलर बिल्कुल नहीं आया था क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में थी। और उसके बाद मैंने अपने घर वाला ये ग्रीन चिल्ली सॉस डाल दिया, ये सोया सॉस डाल दिया मैंने। उसके बाद विनेगर नहीं डाला मैंने क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सारे सॉस वगैरह डाल के खट्टा खट्टा हो चुका था। फिर मैंने ये थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डाल दिया ताकि बहुत तीखा ना हो। उसके बाद मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर ढक दिया ताकि वो अच्छे से पक के और ऑयल छोड़ दे, देख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने इसमें चाउमिंग मिक्स कर दिया और फिर इसको अच्छे से हम मसाला और चाउमिंग दोनों को धीरे 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 मिक्स करते जाएंगे ताकि मसाला और चाउमिंग एक में हो जाए, बिल्कुल अलग अलग ना रहे, नमक वगैरह चारों तरफ मिल जाए। और धीरे धीरे करते करते बहुत अच्छे से मिल जाता है, ये बिल्कुल चिपकता नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल यम्मी दिख रहा है। यकीन मानिए इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि आप बिल्कुल बाहर का चाउमिंग खाना छोड़ देंगे। ये मेरे चाउमिंग के आगे अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो सभी लोग मेरे चाउमिंग की बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत टेस्टी बनाती हूँ। तो ये तैयार हो चुका है मेरा, बिछाया नहीं अभी तक, लेके बैठे हो, बस बस इतना ही, इतना ही रहना, इतना बड़ा नहीं करो। सुनो मम्मा, आपकी सारी फेवरेट चीज़ बनाती है ना, तो आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? आपसे। मम्मा से या छोटी मासी से? आपसे। मम्मा और छोटी मासी में से किसको चूज करोगे स्माइली? छोटी मासी। अच्छा, मम्मा आपके लिए चीजी बनाती है और चूज छोटी मासी को करोगे? अच्छा है। अच्छा जी, चमची चमची हो? अच्छा जी, दोनों की चमची हो। चलो खाते हैं, ठीक है? ये स्पून है स्माइली वाला, स्माइली का स्पून दिखा दो, कौन सा है? स्माइली लिखा इस पे, दिख रहा है? यस, स्माइली दिख रहा है। और ये मम्मा का, चलो खाते हैं। आपको जब नहीं पता साइज की स्माइली SAAA, हाँ लेकिन उस पे स्माइली लिखा है, ठीक है? खाते रहना, गंदा हो जाएगा है, ठीक है? रख दो इधर और अपना होमवर्क करके स्माइलू फिर खा लेना, ठीक है? अच्छा जी, अरे बच्चे कितना क्यूट है, कितना क्यूट। हाँ, मंडे को टेस्ट अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है? मैं लिखी थी। ओके, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, चलो पोच लिया। ब्लैंकेट में चले जाओ, ब्लैंकेट में आराम से बैठ के स्माइलू, ब्लैंकेट में आराम से बैठ के उसके बाद करो। चलो ओढ़ो, ओढ़ लो बेटा, चलो। अब पीछे है तुम्हारे, देखो बड़ा वाला। अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, ठीक है? तो अभी फाइनली आ चुकी हूँ मैं रूम में और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, मैं थोड़ा फोन चलाऊंगी
और मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है। मैं ये पूछ रही थी ना कि मैं किस टाइम पे ब्लॉग अपना अपलोड करूँ ताकि सब लोग मुझे देख पाए, सब लोग उस टाइम पे एक्टिव हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कौन से टाइम पे ब्लॉग डालूँ, तो कभी भी डाल देती हूँ, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं देख पाते होंगे, पता नहीं चल पाता होगा। और पता है क्या, आप लोग ना बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी मेरे ब्लॉग की, जो भी देखना चाहते हैं मुझे। मुझे नहीं पता कि कैसे होता है, लेकिन मैंने सुना है कि वो बेल आइकन प्रेस कर लेने से नोटिफिकेशन जाता रहता है, तो इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। और प्लीज आप लोग कमेंट में बताना, सब लोग बताना कि सूटेबल टाइम कौन सा हो, ताकि रोज मैं एक ही टाइम पे ब्लॉग अपलोड करूंगी, तो सबके लिए आसानी होगी, आप लोग आके देख पाएंगे ब्लॉग। तो प्लीज बताना, ठीक है? तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, मिलते हैं अभी कल के ब्लॉग में। बाय, लव यू ऑल।